हेलो पीपल, दिस इज अहमद मलकानी एंड यू आर वॉचिंग अ मैड यूट्यूबर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ 29 मोटर की तरफ से एक्स बाइक। सो गाइज, ये जो एक्स बाइक है ना, ये न्यू वर्जन के साथ आई है, न्यू अपडेट्स के साथ आई है। एंड कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो कस्टमर्स है उनका फीडबैक को लेके और उसको ध्यान रखते हुए इसके अंदर न्यू चेंजेस किए हुए हैं। सो पहले भी एक बार एक्स बाइक लॉन्च हुई थी, बट वो भी काफ़ी अच्छा मॉडल था। उसके बाद ये और अच्छे अपडेट्स के साथ फिर से लॉन्च होने जा रही है मार्केट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 मोटर्स की एक्स बाइक की जो ये मॉडल है, इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं। सो ये जो पहला मॉडल है, ये है नॉर्मल डेली कम्यूट के लिए। आप सिटी राइड जो करते हो, मतलब जो ऑफिसेज जाते हैं उनके लिए ये मॉडल काफ़ी सूटेबल है। एंड इसके बाद आते हैं इसके सेकेंड वेरिएंट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वेरिएंट है ये है प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए। 29 मोटर्स ने इस बार दो वेरिएंट्स निकाले हैं, जो एक सिटी राइड के लिए है और एक ऑफ रोडिंग के लिए है। बट इसके अंदर फीचर्स दोनों सेम है, मगर सिर्फ एक फीचर जो अलग है ऑफ रोडिंग मॉडल में, वो है इसके टायर्स। सो इसके टायर्स जो है ये 3 inches वाइड है। एंड इसके जो टायर्स, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए एकदम सूटेबल है। मतलब आप माउंटेंस वगैरह पे या आप ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जा रहे हो तो आप ये साइकिल ईजिली राइड कर पाओगे इसके टायर के मदद से, जो कि इसके फीचर्स सेम है। सो मैं आपको सारे फीचर्स इस साइकिल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अभी इसके मेजर इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, इस बार एक्स बाइक ने साइकिलिंग ज्योमेट्री को काफ़ी चेंज किया है। मतलब जो लॉन्ग राइड्स आप करते हो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी साइकिलिंग ज्योमेट्री को पूरा चेंज किया हुआ है। पहले जो इसके अंदर सस्पेंशन दिए होते थे वो काफ़ी अलग थे, वो लॉन्ग ट्रैवल वाले सस्पेंशन थे, मगर इस बार इसमें ऑप्टिमल साइज एंड ट्रैवल के प्रॉपर सस्पेंशन दिए हुए हैं। और ये जो सस्पेंशन है, आप इसको लॉक भी कर सकते हो, मतलब टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है इसका सस्पेंशन। साइकिलिंग ज्योमेट्री जो लुक एंड फील थी पहले के मुकाबले, वो भी काफ़ी चेंज कर दी गई है। सो अभी हम फ्रंट पोर्शन पे पहले फोकस करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। सो ब्रेकिंग के मामले में ये टॉप नॉच वर्क करती है, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको ब्रेकिंग के मामले में, आपकी ब्रेकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन पे। सो फ्रंट सस्पेंशन पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है गाइस, क्योंकि ये हाई क्वालिटी लॉक इन लॉकआउट वाले सस्पेंशन है। सो आप इसको भी ऑफ रोड एंड ऑन रोड पे यूज़ कर सकते हो ये सस्पेंशन की मदद से। सो आप देख सकते हो कि ये, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये है अनलॉक किया हुआ है अभी। अभी मैं इसको आपको लॉक करके बता देता हूँ। सो अब ये लॉक हो गए एंड बिल्कुल भी जर्क नहीं फील हो रहा है और प्रॉपर लॉक होते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे दी हुई है आपको फ्रंट में हेडलाइट एंड इसके अंदर ही आपका हॉर्न भी एम्बेडेड है। एंड इसको ऑपरेट करने के लिए आपके यहाँ पे स्विच दिया हुआ है हैंडल पे। सो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं साइकिल ऑन करता हूँ, यहाँ पे इसका बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है, इसके ऊपर हम आते हैं अभी। सो ये इसका हेडलाइट का बटन है। सो इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो हैंडल से। एंड यहाँ पे इसका हॉर्न दिया हुआ है। सो ये दोनों 2-in-1 चीज़ है ये, मतलब हॉर्न भी हो गया एंड लाइट भी हो गई ये एक चीज़ के अंदर। अब इसके बाद हम आते हैं इसके हैंडल पे। सो इसका जो हैंडल का भी मटेरियल है, ये काफ़ी हाई क्वालिटी का है, मतलब एलॉय से बना हुआ है। सो नो वरीज ऑन दैट, मतलब बहुत अच्छी मटेरियल का है। इसके बाद ये जो इसका डिस्प्ले है, S866 जो इसका मॉडल है, ये जो अभी हाई क्वालिटी वाला मॉडल चल रहा है मार्केट में, ये वो लगाया हुआ है इस साइकिल पे। एंड इसके अंदर आपको बैकलाइट भी दिया हुआ है। अभी तो फिलहाल दिन का टाइम है, सो आपको इसकी बैकलाइट नहीं दिखेगी, मगर अगर आप राइड रात को कर रहे हो आपकी, सो इसके अंदर जो लाइट है वो आपको, मतलब आपका डिस्प्ले देखने को मदद करती है। सो टोटली डिजिटल डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको जो भी डिटेल्स है, जैसे कि स्पीड हो गया, आपका पेडल असिस्ट का मोड हो गया, ओडोमीटर है, आपके बैटरी की कैपेसिटी है, जो बैटरी कितनी लेवल्स पे आपकी है अभी फ़िलहाल, वो आपको पूरा बता देगा। आपकी ये इतने छोटे से डिस्प्ले में आपको इतनी सारी डिटेल्स भरकर मिल जाती है। यहाँ पे इसका शिफ्टर दिया हुआ है, जो कि है शिमानो का। एंड इसके अंदर दिए हुए हैं शिमानो टूर्नी के 7 speed के गियर्स। इलेक्ट्रिक बाइक की सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको की स्विच दिया हुआ है। सो ये आपकी साइकिल को एंटी थेफ्ट बना देता है। अब ये जो स्विच दिया हुआ है, इसका इस बार पोजीशन भी थोड़ा चेंज किया हुआ है, कंफर्टेबल हो कस्टमर्स को, वो ध्यान में रखते
करते हुए यहाँ पे इसका थोड़ा पोजीशन चेंज करके इसको ऊपर ले लिया गया है। अभी हम बात करते हैं इसके ब्रेक लीवर्स की। ब्रेक लीवर्स जो है ये प्लास्टिक के नहीं है, ये एलॉय मटेरियल के दिए हुए हैं इस बार। इसके बाद यहीं पे आपको साइकिल ऑपरेट कैसा करना है, तो वो इसके लिए तो जैसे कि आप नॉर्मल जो चल रहा है मार्केट में, सो इसके अंदर आपको थ्रॉटल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक साइकिल को ऑपरेट करने के लिए। बात की जाए एक्स बाइक के बैटरी एंड रेंज की, सो गाइस इसके अंदर जो बैटरी है वो है 36 वोल्ट 12 एम्पीयर आर की, जो कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी है एंड जो आपको रेंज देती है 60 किलोमीटर्स ऑन थ्रॉटल एंड पेडल असिस्ट मोड पे आपको 80 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाता है। बात की जाए इस बैटरी के सेफ्टी की, मतलब जैसे कि आप देख रहे हो आजकल मार्केट में जो लिथियम आयन की बैटरी है वो उसमें आग लग रही है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, मगर इसके अंदर जो बैटरी दी हुई है वो है लिथियम फॉस्फेट जो नॉन फ्लेमेबल है, इसके अंदर आग नहीं लगती है गाइस। सो इसमें आप एकदम बेफिक्र रह सकते हो लिथियम फॉस्फेट के साथ, वो भी इस साइकिल में इंस्टॉल्ड है। बैटरी की सेफ्टी तो इसमें बिल्कुल उसका ध्यान रखते हुए इसके अंदर ये टाइप की बैटरी इंस्टॉल की गई है। एक्स बाइक की बैटरी चार्जिंग की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैटरी है ये है सेमी पोर्टेबल बैटरी। आप इसका लिड खोल के घर पे लेके जाके भी आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हो एंड अगर आपको इसकी बैटरी नहीं निकालना है तो आप इसको बाहर से भी चार्ज कर सकते हो। इधर पीछे इसका सॉकेट दिया हुआ है, सो आप इसको बाहर से भी बिल्कुल इजीली चार्ज कर सकते हो। मूविंग ऑन, इसके जो पेडल्स है ये है एलॉय मटेरियल से बने हुए, सो ये भी प्लास्टिक से नहीं बने हुए हैं। 29 मोटर्स ने इलेक्ट्रिक बाइक के वेट को ध्यान में रखते हुए इसका जो स्टैंड है वो डिजाइन किया है, जो कि काफी हैवी ड्यूटी है एंड आगे जाके फ्यूचर में आपको जरा भी तकलीफ नहीं देगा एंड ये बिल्कुल भी टूटने वाला स्टैंड नहीं है। अब बात की जाए इसके साइकिल के टायर्स की, सो ये जो है ये है 27.5 इंच के नाइलॉन टायर्स जो आपको रोड की ग्रिपिंग में काफी हेल्प करते हैं एंड ब्रेकिंग के मामले में भी काफी इफेक्टिव है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर रेयर में भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। डिस्क ब्रेक के पीछे यहाँ पे BLDC हब मोटर है एंड गाइज ये जो है ये है 250 वैट्स का हब मोटर जो आपको प्रोवाइड करता है 42 Nm का टॉर्क। इस बाइक की प्राइसिंग डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आइए अब बात करते हैं एक्स बाइक के वारंटी के बारे में। सो गाइज इसकी जो बैटरी है इसकी जो वारंटी है वो 3 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को एंड बाकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इस साइकिल के उसकी 1 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड करती है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्स बाइक का। सो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी देखने मिल जाते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चीज़ लगा है एक्स बाइक के बारे में। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है नेवी ब्लू कलर एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ग्रे कलर एंड और भी कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, जो कि है वाइट कलर आता है इसके अंदर, रेड आता है एंड ब्लैक कलर भी आता है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मार्केट में आज दूसरे ब्रांड्स मतलब एक जो उनका जेनरिक कलर है वही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी साइकिल कोई भी कलर ऑप्शन आप परचेस कर सकते हो। सो गाइज आई होप आप लोग को ये 29 मोटर्स एक्स बाइक की फीचर वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, आप जाके इसके फीचर्स फिर से डिटेल में भी पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ। सो गाइस तब तक के लिए फिर मिलेंगे दोबारा, अब होता हूँ यहाँ से 9:02:11।